जमीन अवैध संबंध छेड़छाड़ के मामलों में अक्सर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन यूपी के बरेली में एक ऐसी हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। यह हत्या महज 4 रुपयों के खातिर की गई है। 20 रुपये की चाय के बदले 16 देने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद ढाबा संचालक की चाकू से गोद कर 3 लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद 3 आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। एसएसपी ऑफिस में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शातिर अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें उस बात का पछतावा भी हो रहा है कि सिर्फ महज 4 रुपए के लिए उन्होंने एक संचालक की जान ले ली। बता दें, उन्होंने कहा कि 4 रुपए के पीछे ढाबा संचालक सेवाराम गंगवार से विवाद हुआ था। इस दौरान सेवाराम ने नक्कू उर्फ मुनव्वर से पूरे 20 रुपए देने की बात कही थी और उसके बदले में नक्कू ने 16 रुपए दिए थे, बाकी के 4 रुपए नहीं दिए और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बवाल हो गया। फिलहाल मुनव्वर को ये बात अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी कि उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी और इसी के चलते उसने अपने साथियों को ये बात बताई और फिर शराब पीकर इस वारदात को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। साहब, ऐसा हुआ था, जैसे हम लोग शाम मतलब जो यहाँ से गए थे दोनों भाई, तो जो है इसके पेड़ के जो सिमर हुआ थे वो मतलब यहाँ पर रखे हुए थे, तो हम पन्नी में भर कर जो है 9:10 पे यहाँ से गए थे, तो पिताजी ये बोले थे मेरा बिस्तर बाहर करा दे, इसमें मच्छर उच्छर लगते हैं। तो शाम जो है उनके पास जो है 9 एक लड़का लेटा हुआ था, तो उसने सिगरेट पी थी और इंग्लिश की बोतल जो पी थी, तो मतलब वो यहीं पर रखा हुआ था। क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम साहब पता नहीं मेरे को, एक लड़का जो था पड़धोली का, वो धंतिया वाला जो लड़का था वो उसे नंबर दे के गया। अच्छा, हुआ क्या फिर सुबह आई तो कैसे पता चलेगी तुम्हारे पिताजी की हत्या हो चुकी है? तो ये साहब यहाँ पर ब्लड गिरा हुआ था, तो फिर हमने देखा था, हमने शायद हो सकता है तबीयत खराब हो, तो हम मतलब बिस्तर उगाड़ के देखा तो पता चला था साहब। सेवाराम की हत्या इसलिए की गई क्योंकि 11 मार्च को सेवाराम गंगवार ने अपने ग्राहक नक्कू पुत्र नवी निवासी धतिया थाना फतेहगंज पश्चिमी से 2 चाय लेने के 20 रुपए मांगे थे, लेकिन नक्कू ने ये कहकर उसकी बात का विरोध कर दिया। मैं आपको बता दें कि 2 चाय 16 रुपए की मिलती है। इसी बात से नाराज होकर सेवाराम ने नक्कू का अपमान किया था। इस बात से नाराज नक्कू ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। इसके बाद नक्कू ने ये बात अपने गांव धतिया के लोगों को बताई। 12 मार्च को नक्कू ने अपने 2 साथी मोजिम खान और मोइम खान निवासी धतिया मुन्ना पुत्र कल्लू के साथ ढाबे पर गया और अकेला पाकर ढाबा संचालक सेवाराम की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने सेवाराम के बेटे की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वही एसएसपी रोहित सिंह रजवाड़ा ने बताया कि ढाबा संचालक सेवाराम गंगवाल की फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत 13 मार्च को नेशनल हाईवे पर तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे की वजह खरीदी हुई चाय के रुपए के लेन देन के चलते विवाद हुआ था, जिसके चलते सेवाराम की हत्या की गई थी। वही पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही अलकत्ल को बरामद भी किया है। आरोपियों को कोर्ट में मानवीय न्यायालय के सामने पेश किया गया। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत 14 तारीख की सुबह एक सेवाराम गंगवार थे, ये अपनी एक झोपड़ी इनकी हाईवे के किनारे है और वहाँ पर ये खाने का सामान बेचते थे। इनकी हत्या कर दी गई थी और ये अपनी झोपड़ी के बाहरी जो चारपाई है उस पर पाए गए थे, मृत पाए गए थे। इसमें पुलिस जब मौके पर पहुँची तो वहाँ पर इनके जो बेटे हैं उनके द्वारा एक तहरीर देकर मुकदमा धारा 302 IPC के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया अज्ञात के विरुद्ध। पुलिस ने इसमें छानबीन की तो इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में हैं, जिसमें एक नन्कू उर्फ मुनव्वर खां, मुजिम खां और मुन्ना उर्फ मुशरफ खां, ये 3 लोगों के नाम प्रकाश में हैं। इसमें जो 2 लोग हैं वो 3 लोग हैं वो धंतिया गाँव के हैं, जो मृतक का जो पास का गाँव का है उसके रहने वाले हैं। इसमें जो मुन्ना नन्कू उर्फ मुनव्वर खां हैं, ये एक दिन पहले वहाँ पर चाय पीने गए थे और चाय पीने के
पैसे के रेट को लेकर इनके आपस में बहस हुई थी, और जो जो बताया गया है कि जो मृतक है उन्होंने इनका बहुत अपमान किया था, और इस वजह से, और वहाँ पे इसके गांव के लोग भी मौजूद थे, तो ये जो व्यक्ति है इसको काफ़ी अपमान महसूस हुआ। और उसके बाद ये अगले दिन जब घर गया तो शराब के नशे में इसने दो और लोगों को ये बात बताई, और तीनों ही ने मिलकर जो 13 तारीख की रात्रि को उसके इस झोपड़ी पर गए और वहाँ पर रात्रि को नशे में जो है इनकी हत्या कर दी। और इसमें जो धारदार हथियार जो है वो भी प्रयुक्त जो घटना में है वो भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया। तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और तीनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बरेली पुलिस ने एक सनसनी वारदात का खुलासा किया है। ये वारदात सिर्फ 4 रुपए के खातिर की गई थी, क्योंकि सेवाराम अपना होटल चलाते थे, उनके पास ही रहने वाले नन्नुकू नामक व्यक्ति चाय पीने आए थे, जिन्होंने 2 चाय पीकर 16 रुपए दिए, जिसकी कीमत चाय की 20 रुपए हुई थी। लेकिन 20 रुपए न होने की वजह से इस पूरे विवाद को अंजाम दिया गया। फिलहाल नन्नकू ने इस घटना में अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर सेवाराम को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस वारदात को 13 मार्च को अंजाम दिया गया था। फिलहाल SSP बरेली ने इस पूरे मामले से खुलासा करते हुए आला कत्ल आरोपियों के पास से बरामद किया है, साथ ही साथ इस आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा है। कैमरामैन पर्सन के साथ न्यूज़ वायर इंडिया के लिए आसिफ सारी बरेली।